The remarks by Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee have triggered huge political slugfest and now resulted into a stir of political controversy. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has clarified on her statement stating that she detects a malicious disinformation campaign in some print, electronic and other media, digital media, which has been unleashed with reference to the speech that she has made in the students' program yesterday. She also said that she most emphatically clarified that she has not uttered a single word against the medical students or on their movements, but she totally supported their movements. Quoting Mamata Banerjee, as per the statement that she has made on Twitter, she also said that their movement, doctors' movement, is genuine and she never threatened them, as most people are accusing her of doing so. This allegation is completely false. There you have Mamata Banerjee denying the allegations and the political comments that have come as a response of the statement that she has made in a public address. Now the political war of words is heat up as well. Renig, I'll request you to kindly join back with us on this clarification that has in a first issued over her controversial remarks. She says that she stands in support with the doctors, but she is against the malicious information campaign that has been going on against her in the print, electronic and digital media. कल से ममता बनर्जी का बयान को लेकर जो पॉलिटिकल चर्चा चल रहा है, कल से लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान के बाद लगातार कमेंट आ रहा है, उसके बाद ही आज ममता बनर्जी की तरफ से एक चैनल में पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने ये पूरा बात को क्लैरिफाई किया है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके का बात ममता बनर्जी के नाम पर बोला जा रहा है, वैसा कुछ बयान ममता बनर्जी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी ने यही भी क्लैरिफाई किया कि जो बोला जा रहा है, बहुत सोशल मीडिया में, बहुत सारे मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है कि उन्होंने जो डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको थ्रेट दिया है, मगर उसको लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि मैं किसी मेडिकल स्टूडेंट को हिट नहीं किया, कोई किसी मेडिकल स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं बोला, मेडिकल स्टूडेंट को देखते हुए, उनको टारगेट करते हुए कोई बात नहीं बोला। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को ममता बनर्जी सपोर्ट करते हैं, इस मूवमेंट को लेकर ममता बनर्जी ने कोई बयान नहीं दिया है। जो बयान सामने आया है उसमें ममता बनर्जी ने ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स है और जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको वो हिट नहीं किया, और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ बयान दिए थे, और कल जो बयान था वो बीजेपी के खिलाफ था, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उसके खिलाफ ही ममता बनर्जी का ये बयान था, ये भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और उसके साथ साथ ही और एक बात को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि कल ममता बनर्जी की तरफ से जो तृणमूल छात्र परिषद है या तृणमूल सपोर्टर्स है, उनको भी जो निर्देश दिया गया था, यानी फोर्स करना, यानी जैसे पलटवार करने का जो बात किया गया था, उसको लेकर भी कहा है कि ये स्पीच मेरा नहीं है, ये स्पीच रामकृष्ण परमहंस देव का है, और उसका स्पीच ही मैंने इस्तेमाल किया कल बताने के लिए, मगर इसमें मेरा कोई डायरेक्टली कोई इंटेंशन नहीं था, कोई गलत इंटेंशन नहीं था। ये तीनों बात को लेकर ममता बनर्जी, यानी कल से जो लगातार ममता बनर्जी का बयान में जो तीनों पार्ट था, तीनों पार्ट के अंदर एक तो डॉक्टर्स को थ्रेट देना, दूसरा बीजेपी का जो स्टेट्स है उसको आग लगाने का जो घटना, ये जो बात कहना, और उसके साथ साथ ही जो तृणमूल वर्कर्स है उनको पलटवार करने का जो बयान देना, ये तीनों पार्ट को लेकर कल से जो चर्चा चल रहा था, उसी का क्लैरिफिकेशन में ममता बनर्जी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि मेडिकल स्टूडेंट को जो थ्रेट देने का बात था वो उन्होंने नहीं किया, कोई थ्रेट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जो रिवेंज लेने का बात तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है उनको जो बोला गया था, उसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि ये वर्ड मेरा नहीं है, ये वर्ड रामकृष्ण परमहंस देव का है, उनका वर्ड लेकर ही मैंने कल स्पीच दिया था। और इसके अलावा जो बीजेपी का जो स्टेट्स है उनके खिलाफ में जो बयान दिया गया है, उसमें ममता बनर्जी का क्लैरिफिकेशन है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट में बात किया, ममता बनर्जी ने डायरेक्टली लिखा है आई हैव स्पोकन अगेंस्ट बीजेपी, आई हैव स्पोकन अगेंस्ट देम बिकॉज विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर थ्रेटिंग द डेमोक्रेसी इन आवर स्टेट
create and trying to create energy with support from center. They are trying to create lawlessness and I have raised my voice against them. Yani directly Mamata Banerjee ki taraf se BJP ko target kiya gaya hai aur Mamata Banerjee ke clarification mein bhi Mamata Banerjee ne BJP ko hi target kiya hai, ye bhi Mamata Banerjee ki taraf se bola gaya hai. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.